मंगलवार को देर रात राजस्थान शतरंज संघ के अध्यक्ष महावीर राका के आगमन पर उनके सम्मान में एक निजी होटल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह से पहले राजस्थान शतरंज संघ के अध्यक्ष ने भिलवाड़ा शतरंज संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में भिलवाड़ा जिला शतरंज संघ द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभिनंदन के दौरान भिलवाड़ा शतरंज संघ के अध्यक्ष मुकेश कुजर ने बताया कि महावीर राका राजस्थान शतरंज संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ आचार्य तुलसी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी है। राका मूलतः बीकानेर के निवासी है। राका ने कुछ दिनों पूर्व बीकानेर में एक रक्तदान शिविर लगवाया था, उसमें 1000 से अधिक यूनिट का रक्तदान हुआ था। कुजर ने कहा कि भिलवाड़ा शतरंज संघ द्वारा भिलवाड़ा एवं उसके आसपास के जिलों में किसी भी खिलाड़ी को साधन संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी क्रम में गुजर द्वारा राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर जिले के जिला संघों को अंतरराष्ट्रीय मानक वाले 10-10 चेस सेट भेंट किए गए। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला संघ को चेस ट्रेनिंग हेतु चेस डेमो बोर्ड भी भेंट किया गया। राजस्थान शतरंज संघ के कोषाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे अध्यक्ष महावीर राका ने राजस्थान राज्य की कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना काल के खत्म होने के पश्चात अब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है एवं इसमें सभी जिलों संघों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन एवं राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन ग्रांड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने राजस्थान राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष महावीर राका का भिलवाड़ा आगमन पर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राका के नेतृत्व में राजस्थान की शतरंज नई ऊंचाइयों को छुएगी। अभिजीत ने राका से राजस्थान में अधिकाधिक चेस अकेडमी खोलने हेतु आग्रह किया। नौगावां सांवरिया सेठ मंदिर में विराजित जगत आराध्य सांवरिया सेठ मंदिर का पंचम पाटोत्सव के दूसरे दिन ठाकुर जी ने बेवाण में विराजित होकर भक्तों को घर घर जाकर दर्शन दिए। इस दौरान भक्तों ने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कर मन्नतें मांगी। बेवाण नौगावां एवं मुजरास में घर घर होता हुआ भक्तों के संग पुनः मंदिर पहुंचा, जहां बनारस की तर्ज पर महाआरती हुई। इससे पूर्व मंदिर में भगवान का रुद्राभिषेक, हवन, सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती हुई। कार्यक्रम में शामिल हुए भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़ी ने कहा कि मंदिर का इतना शीघ्र ही प्रसिद्धि पाना निश्चित रूप से गोमाता की कृपा से यहाँ पर असीम व अद्भुत ऊर्जा का संचार है। इसी ऊर्जा व सांवलिया सेठ की कृपा से लोग आकर्षित होते हैं और ठाकुर जी उसी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पाटोत्सव पर त्रिदिवसीय आयोजन सराहनीय है। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि पाटोत्सव को लेकर ठाकुर जी का बंगला फूलों से सजाया गया और आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई। ठाकुर जी को चांदी की पोशाक पहनाई गई। सुबह 6:30 बजे भक्तों की ओर से रुद्राभिषेक किया गया। सुबह 8:30 बजे हवन में 21 चोड़ों ने आहुतियां दी। 9 बजे 56 भोग लगाने के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। 10 बजे मुकुंद सिंह राठौड़ एंड पार्टी की ओर से सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ हुआ। दोपहर 12:30 बजे सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में महाआरती की गई। मंदिर प्रबंध समिति के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी एवं सह संयोजक कैलाश डार्ड ने बताया कि दोपहर 12:15 बजे मंदिर से ठाकुर जी का सजा धजा बेवाण निकला। भक्तों के भजनों वे उड़ती गुलाल के बीच बेवाण नौगावां व मुजरास के प्रत्येक घर पहुंचा। घरों के बाहर ठाकुर जी की आरती उतारी गई, प्रसाद वितरण किया गया। बाद में शाम 6 बजे बेवाण गांव का भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंचा। 6:30 बजे बनारस की तर्ज पर मंदिर में भव्य महाआरती हुई। कार्यक्रम में भजन गायक अक्षत अग्रवाल एवं राघव शर्मा ने भजन पेश की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान के संरक्षक डीपी अग्रवाल, अध्यक्ष राजकुमार बम, भंवरलाल दरगढ़, नरेंद्र लोढ़ा, सचिव सत्य प्रकाश गगड़, मदन गोपाल कालरा आदि का सहयोग रहा। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर भिलवाड़ा में कक्षा 3 से 12 तक के छात्र छात्राओं के खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 386 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में छात्र छात्राओं का बैटरी टेस्ट किया गया। कक्षा 10 व 12 के छात्राओं का कबड्डी मैच हुआ, जिसमें कक्षा 12 के छात्र विजेता रहे। थ्रो बॉल में कक्षा 8 के विजेता रहे। बैडमिंटन में कक्षा 12 के छात्र विजेता रहे। छात्राओं की कबड्डी में कक्षा 9 की छात्राएं विजेता रही। थ्रो बॉल में कक्षा 6 की छात्राएं विजेता रही। 100 मीटर दौड़ में हरी गोविंद, अश्मिका एवं 200 मीटर में अरविंद वैभवी, गोला फेंक में तरुण जांगिड़ एवं शिवानी जाट, भाला फेंक में श्यामलाल कील और शिवानी जाट विजय रही। खेल दिवस को उद्घाटन जिला सचिव देवराज सिंह राणावत एवं प्रधानाचार्य अविनाश कुमार छिपा ने किया। निर्णायक के रूप में रमाकांत तिवारी, केदार व्यास, शिवराज माली, पन्नालाल कुमावत, श्यामलाल शर्मा, भीरूलाल शर्मा, मदनलाल पोरवाल, परमेश्वर प्रसाद बाखलीवाल ने कार्य किया। सभी विजेता छात्र छात्राओं को आगामी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
भिलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि भाजपा अपने हर एक कार्यकर्ता की कमल पट्टी। जिला सह मीडिया प्रभारी अंकुर बोर्दिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भड़ाना प्रदेश व्यापी कमल पट्टिका अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देशानुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन के नेतृत्व में व उपसभापति रामनाथ योगी के मार्गदर्शन में ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री बादल सिंह राठौड़ के निवास पर कमल पट्टिका के अनावरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कमल पट्टिका कार्यकर्ता के लिए संगठन समाज एवं राजनीति में अपना एक प्रतीक चिन्ह है, जिसे आम नागरिक को पता चलता है कि यह राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी का कार्यकर्ता है। इस अवसर पर जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, वेद प्रकाश खटीक, जिला आईटी संयोजक अजीत सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री कैलाश सुवालका, मोर्चा के जिला मंत्री रविपुरी, मोर्चा के जिला कार्यालय मंत्री किशन सुवालका के साथ ही मोर्चे के मंडल अध्यक्ष सोनू यादव, महामंत्री संजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष हीरालाल तेली, मंडल मंत्री पीयूष चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, मंडल कार्यालय प्रभारी राहुल शर्मा, मंडल मंत्री विश्वजीत सिंह के साथ ही वरिष्ठ नेता रतनलाल शर्मा, चंद्र सिंह, बालमुकुंद उपाध्याय, महेंद्र सिंह, दिलीप शर्मा, नाहर सिंह, रवि सिंह, शेर सिंह, राम सिंह, अभिषेक सुथार, सुरेंद्र सिंह, विकास सिंह, देवेंद्र सिंह, मोहित पाराशर, अभिषेक पाराशर, लोकेश सोनी, महिला मोर्चा से शिल्पा देवी, हीरा देवी, हेमलता, संगीता व युवा कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों भाजपाई उपस्थित थे।